मुझे तो ऐसा लगता था कि आप जैसी निडर पत्रकार ये कहेगी चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, क्यों वहाँ पर भाजपा का खेमा घुस जाता है। कि सोच लिए बैठे हैं कैसी आप, सोच आप दे, बैठे देश के ऊपर आक्रमण होने जा रहा है और आप लड़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए कौन सी जर्नलिज्म करते हैं भाई आप? मैंने आप लोग डिबेटे करवाते हैं, आपको देश की आपकी सदर की तो सवाल पूछिए, कभी तो सवाल पूछिए ईमानदारी से, कभी तो अपने दिल का पत्रकार को देखा ईमानदारी है। अभी छोड़ दूंगा, मैं ऐसे किसी कबूरल बदतमीज के साथ बैठना नहीं चाहता जिसे अपने अपने अल्फाज में कबूल हो। मेनस्ट्रीम मीडिया में न्यूज डिबेट्स में पहले सवाल सत्ता में बैठे नेताओं से होता था और विपक्षी पार्टियां सरकार की गलत नीतियों पर खुल के आवाज उठाती थी, पर अब सरकार की गलत नीतियों पर भी सवाल विपक्ष से ही किया जाता है। पर ऐसे समय में कुछ ऐसे विपक्षी नेता भी हैं जो न्यूज डिबेट में बीजेपी और मीडिया एंकर पर भारी पड़ जाते हैं। आज हम उन्हीं कुछ डिबेट्स का जिक्र करेंगे जब हमारे मीडिया को विपक्ष से करारे जवाब सुनने को मिले हों। न्यूज 18 पर मोदी के लेह दौरे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश ने MPCI अध्यक्ष तस्लीम रहमानी से मोदी के दौरे पर सवाल किए। अपने जवाब में उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर कुछ टिप्पणी की जिस पर अमीश कम्युनल एंगल बीच में ले आए। कम्युनल एंगल आते ही तस्कीम अमीश पर भड़क उठे। अभी तो पहली बात यह है कि अभी 10-15 दिन से जब भी हम टेलीविजन ऑन करते हैं तो चीन और भारत का झगड़ा दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी का हो यह झगड़ा भी नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं जानना चाहूंगा तस्लीम रहमानी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आप बड़े लर्नेड हैं, राष्ट्रवाद को कैसे बेचने की कोशिश है? सरहद पर जाना अपने सैनिकों का रास्ता बनाना राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? सरहद पर जाना वंदे मातरम कहना अपने राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? सरहद पर जाना भारत माता की जय बोलना अपने राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? मैं आप अपना भाषण मुझे मत सुनाइए, मैं भाषण नहीं दे रहा, आपसे बात कर रहा हूं लॉजिक के ऊपर। आपके दिमाग में कम्युनलिज्म की बदबू है, वो तमाम अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, भारत माता की कम्युनलिज्म की बदबू है। आप एक मैं डिबेट अभी छोड़ दूंगा, मैं ऐसे किसी कम्युनल बदतमीज के साथ बैठना नहीं चाहता जिसे अपने अपने अल्फाज पे काबू रहो। मैं एक नेशनलिस्ट डिबेट के लिए यहाँ के बैठा हूँ, कम्युनल डिबेट के लिए नहीं। मैं एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, एक भारतीय की हैसियत से बैठा। बात करने की तो करो, आप पूछे प्रधानमंत्री जी से क्यों गलवान नहीं गए, हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हुए गलवान वैली में, वहां से 250 किलोमीटर दूर जाके क्यों खड़े हुए? अगर 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना बहुत लोगों का होता है, उस सीने के अंदर दिल का होना भी जरूरी है और 6 फीट के कद के ऊपर दिमाग का होना भी जरूरी है। गलवान क्यों नहीं गए थे? वहां जाना चाहिए। क्यों राजनाथ सिंह जी के प्रोग्राम 2 दिन से कैंसिल हुए जा रहे हैं और अचानक प्रधानमंत्री जी जाके वहां खड़े हो जाते? चीन के मुद्दे पर न्यूज नेशन पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर दीपक चुरसिया ने मौलाना साजिद राशिद से कांग्रेस के टिप्पणियों पर सवाल किए और बार बार उन्हें मोदी विरोधी भी कहा, जिस पर मौलाना दीपक पर भड़क गए। मोदी जी का नाम सुन के मेरे दोस्त मौलाना साजिद रशीदी जी को पसंद नहीं आया। देखिए तारिक फतेह साहब भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं मोदी जी ही नहीं पढ़ सकते हैं, अब तो विरोध छोड़ दीजिए। मैं अभी तक बोला भी नहीं दीपक चुरसिया जी, और आपने एक नया इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया कि मैं मोदी मुखालिफ हूँ। सर ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? आप इस शो पर 1.5 साल से आ रहे हैं और आपने भर भर के प्रधानमंत्री आरएसएस और सरकार को गाली देने के सिवा आज तक किया क्या? बोला ना साजिद रशीदी। सुनिए, अगर आपके अंदर थोड़ी भी समझ है तो आज ये वक्त नहीं है हम एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालें, ये वक्त नहीं है आज। ये वक्त आज ऐसा है कि हम चीन के खिलाफ सारे भाई इकट्ठे होकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करें। अभी फिर कांग्रेस की हिमाकत करने लगे आप, यही तो दिक्कत है क्योंकि मोदी जी आपको पसंद नहीं है। कई लोगों से मिला, बहुत कमकली की बात है जो आप करने जा रहे हैं। सर मेरी तो अकल ही कम है। आज वक्त नहीं है सर, मेरी तो अकल ही कम है। आप जिस कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं तो आज वक्त नहीं है डिबेट करने का। प्रधानमंत्री ने कहा घुसपैठ नहीं हुई। कैसी सोच लिए बैठे हैं भाई आप, कैसी सोच लिए बैठे हैं? कैसी सोच आप लिए बैठे हैं? देश के ऊपर आक्रमण होने जा रहा है और आप लड़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए कौन सी जर्नलिज्म करते हैं भैया? मैंने नहीं कहा। ये कौन सी पत्रकारिता है बोल रहे हैं? अरे देश को एकजुट कीजिए, घुसपैठ हो गई है, देश को एकजुट कीजिए। मैंने नहीं कहा सैटेलाइट फोटो है। आज तक पर मोदी के लेह दौरे पर डिबेट में एंकर रोहित सरदाना कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता से उनकी पार्टी द्वारा किए ट्वीट पर सवाल कर रहे थे। अपने जवाब में रोहन ने एंकर को बीजेपी नेताओं से सवाल ना पूछने के लिए टोका।
पहली बात अस्पताल नकली है, सेना के जवान बीमार है, चोट लगी है वो भी नकली है, झूठे बयान में बैठे हैं लोग। आप पहले सवाल खत्म कर लीजिए फिर मैं मेरा जवाब चालू कर। ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो सैनिक जो पट्टी बांध के बैठे थे वो भी नकली था क्या? बोलिए, आपने बोल दिया, मेरा जवाब सुन लीजिए प्लीज। जिस प्रकार से आज मैं बड़े मैं एक भारतीय के नाते सिर्फ नॉट एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन एज अ भारतीय के नाते इस डिबेट में मैं आया हूँ, जिस प्रकार से कई पालतू पत्रकार और बोधू मीडिया आज मिलकर देश की जो सार्वभौमत्व पर बात कर रहे हैं पूरी शर्मनाक बात है। आप बोल रहे हैं राजदम, अरे राष्ट्रदम निभाने की बात है रोहित जी। आप लोग सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से चाइना हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। कल भी ये डॉक्टर साहब थे उनको मैंने कल तस्वीरें दिखाई, आज मैं उनको और तस्वीरें दिखाता हूं कि भारत माता की छाती पे चीन का नक्शा फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में कर दिया और आप लोग हमको सलाह दे रहे हैं हम क्या करेंगे? आप लोग डिबेटें करवाते हैं, आपको देश की जल आपकी सदर की नहीं पड़ेगी? अभी तो सवाल पूछिए, कभी तो सवाल पूछिए ईमानदारी से, कभी तो आपके दिल का पत्रकार को जगह दीजिए। आवाज आ रही है या केवल ड्रामा करने बैठे हैं? आ जाओ कांग्रेस को पूछिए, भाजपा को पूछिए, पर सरकार को पूछिए कि देश की जो सरजमी है उसकी रक्षा कब करेंगे? क्या सैनिकों को जो चोटें लगी वो झूठ है? जो सैनिक वहां पट्टियां बांधे बिस्तरों पे पड़े वो झूठे लिटाए गए मोदी जी की फोटो खिंचाने के लिए आपके हिसाब से? आप भाजपा के प्रवक्ता को रखे सब भाजपा के प्रवक्ता है, जो आपसे पूछ ले वो भाजपा का प्रवक्ता, जो आपकी गोद में ना बैठे वो गोदी मीडिया। आप बोलिए, मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत है? राजस्थान में चल रही सियासत पर एबीपी न्यूज पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में रूबिका ने कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनाटे से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के आपसी तानातानी पर सवाल किए। रूबिका के तीखे सवालों का सुप्रिया ने करारा जवाब दिया। आपने शुरुआत में एक वक्तव्य दिया और आपने कहा कि चाहे कर्नाटक हो, एमपी हो, राजस्थान हो, कांग्रेस की समस्याएं सामने आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप जैसी निडर पत्रकार ये कहेगी चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, निरंतर लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है, क्यों वहां पर भाजपा का खेमा घुस जाता है? क्या हमें नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की अंतर कलह का नहीं पता है? हम पहुंच जाते हैं क्या 30 करोड़ का सूटकेस लेकर? क्यों ऐसा? आप अगर निडर आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, आप मेरी निडरता की बात मत कीजिए। आज भी आप ये कह रही हैं कि इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ एक पार्टी के अध्यक्ष को दे दिया जाना चाहिए और बाकी सब जो कर रहे हैं उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं होनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, तो रूबिका जी जो एक मिनट, जो 109 विधायकों ने मिलकर एक लिखित वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि वो अशोक गहलोत लेड गवर्नमेंट में सपोर्ट करते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। यही सबसे अनफॉर्चुनेट बात है सुप्रिया श्रीनेत के, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। किस वजह के चलते आपने ये नोटिस दिया है? कौन ऐसा करता है कि अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ देशद्रोह के कानून के तहत नोटिस भेजा जाए? उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, कौन करता है ऐसा? भाई, तो चीफ मिनिस्टर ने बोला है इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, पुलिस ने नोटिस दिया है, ये मैं समझ नहीं पा रही इसमें आपको क्या तकलीफ है? चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी ये नोटिस है, ये बात आप पूरी तरह से क्यों नहीं बता रही? महेश जोशी को भी 120 दी, क्योंकि खरीद फरोख की चीजें हुई है वहाँ पर, 120 दी को नोटिस गया है। ये खरीद फरोख जो है वो देशद्रोह है। भाजपा से नहीं पूछ रही है कि कैसे? अरे भाजपा से जब मुझे पूछना होगा मैं पूछूंगी। विकास दुबे के मुद्दे पर भी एक डिबेट हुई जिसमें अमीश योगी जी की तारीफ करते नजर आए, जिस पर विपक्षी नेता ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने को कहा। कैसे भरोसा कर लेते उसके ऊपर? अगर विकास दुबे को आज बचाते तो वहाँ पे 5 पुलिस वाले और ढेर हो जाते तो आप और मैं क्या कर लेते आज? हम फिर कहते शहादत को सलाम है, इसके ज्यादा कुछ नहीं। पुलिस वालों के शहीद पर पुलिस वालों के बच्चे कह रहे हैं बढ़िया हुआ के बात कोट कर मैंने एक नहीं सर, ये हंसने का विषय नहीं है। पुलिस वाले के एक बच्चे ने बोला कि जिस दिन मैंने योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू देखे उसी दिन मैं समझ गया था कि कुछ बड़ा कर देंगे ये लोग, मैंने टेलीविजन पे सुना। आप ऐसा करो ना, आप तो जना बीजेपी की मेंबरशिप ले लो, अच्छा ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा आप लोग सिर्फ जो है ना किसी की चापलूसी करते हो, सच्चाई पे नहीं आते हो। मुझे बता दो ना कि 1.5 किलोमीटर पहले मीडिया को क्यों रोक दिया गया? मुझे बता दो ना कि बर्स पानी जहां बरस रहा था वहां पे एनकाउंटर हुआ, और ताकि सारी की सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी वहां कोई सही ना आने पाए। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उससे, उसको तो बिल्कुल सुबह से योगी आदित्यनाथ की सरकार से वो सवाल उठा रहे हैं। आप इसके बाद आप एक काम करिए, आप संविधान में बदली करवा दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए, कचहरी बंद कर दिए, जज की छुट्टी कर दीजिए और पुलिस को पावर दे दीजिए कि जो आदमी गुंडागर्दी करे उसे गोली मार दो, कचहरी ले जाने की कोई जरूरत नहीं। ये थी कुछ डिबेट्स जब मीडिया विपक्ष से लगातार सवाल करता है और उनके सवालों से तंग आकर विपक्षी नेता उन्हें पलट जवाब दे देते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि विपक्षी नेता आगे भी डिबेट में जोरदार तरीके से अपनी आवाज रखते रहेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।